आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गायत्री शक्तिपीठ बस्ताकोला की ओर से सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। मुख्य अतिथि बने धनबाद मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल। आज धनबाद के बस्ताकोला स्थित गायत्री शक्तिपीठ में सफाई कर्मियों के सम्मान के लिए सम्मान समारोह रखा गया। जिला संयोजक विभूति शरण के अगुवाई में बतौर मुख्य अतिथि धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने इस आयोजन को संपन्न किया। इसमें 14 सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र, खाद्य सामग्री, मास्क इत्यादि देकर सम्मानित किया गया, जबकि मंदिर के बाहर लगभग 300 लोगों को भोजन कराया गया। गायत्री परिवार हमेशा से समाज के लिए उपयोग में काम करती रही है, चाहे वह रक्तदान शिविर लगाकर गरीबों के बीच खाद्य सामग्री वितरित कर या समाज में जागरूकता लाने की बात हो। धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने अपने हाथों से सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा बताते हुए सम्मानित किया। इस अवसर पर विभूति शरण के अलावा सक्रिय सदस्य कमल टंडन, नरेश भट्ट, अरविंद कुमार सिंह, केपी सिंह, राजेश मिश्रा, अशोक स्वर्णकार, महेश सोनी आदि मौजूद रहे। झारखंड स्टेट ब्यूरो मनीष कुमार झा से बात करते हुए मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल एवं गायत्री परिवार के जिला संयोजक विभूति शरण सिंह ने क्या कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आपकी भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ मनीष कुमार झा। अभी गायत्री शक्तिपीठ बस्ताकोला में गरीबों के बीच कुछ खाद्य सामग्री का वितरण हुआ और इसमें धनबाद के मेयर हमारे साथ हैं। क्या प्रयोजन था और किस प्रकार से इन्होंने सम्मानित किया? सम्मान लेते हुए एक महिलाएं भावुक हो गई और वो यहां तक बताएं कि इतना सम्मान जो ये बड़े अवसर दे रहे हैं, काश सामान्य लोग भी दे पाते, निश्चित तौर पर वो अपना काम और अधिक ऊर्जावान होकर करते। क्या है पूरा मामला सर से जानने का प्रयास। सर, इसके बारे में बताया। देखिए, गायत्री शक्तिपीठ हमेशा से सोशल वर्क, आध्यात्मिक काम के साथ साथ सोशल वर्क भी करते रहती है और बहुत सारे आयाम इनके हैं जिसमें कि समाज को लगातार फायदा मिल रहा है। आपको ध्यान में होगा कि यहाँ की महिलाएं यहाँ से जुड़ के मास्क वगैरह बना करके भी अपने को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत सारे काम यहाँ पे मानसिक विकास के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कारों का विकास भी यहाँ पे लगातार चलता रहता है और इस लॉकडाउन के क्रम में लगातार ये लोग 28 मार्च से आज तक भोजन का वितरण कर रहे हैं और ये लगातार क्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ आने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनके साथ आज हम लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। सर, ये लोग चाह रहे हैं कि कुछ आपका योगदान मिले, जिससे कि मास्क बनाने की जो गति है उसमें तेज हो और लोगों को कुछ जीविका मिले, इसके लिए कुछ व्यवस्था। नहीं, निश्चित रूप से इन लोगों और हर लोग जो इस तरह के लोग अपने घर में रह के मास्क बनाते हैं उसके लिए हम लोग बिल्कुल ओपन हैं। जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ पे अपना एक काउंटर खोल करके वो मास्क बेच सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। सर, आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि वो जो महिलाएं भावुक हो गई जो आप दे रही थी कि आप इतने बड़े होकर इतना सम्मान देते, लोग नहीं देते, तो लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, समय बदल रहा, लोग बदल रहे हैं और इस विपरीत परिस्थिति में जो इन लोगों ने काम किया है, शुरू के 2-4-5-10 दिन आप याद करिए, लोग अपने घर से निकलने में डर रहे थे और ये लोग एकदम एक योद्धा की भांति एक एक सड़क, एक एक नाली, एक एक गली साफ करने में जरा सा भी हिचक नहीं थे। तो लोगों का व्यवहार भी अब इनके प्रति बदल रहा, लगातार बदल रहा है और इन्हीं का लोगों ने झरिया में पांव पखार के भी स्वागत किया था। लोग बदल रहे हैं और आगे भी बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया। अब हम चलते हैं, जिला संयोजक विभूति शरण सिंह जी हमारे साथ हैं। उन्होंने ही ये पूरा प्रोग्राम किया जिसके लिए इन्होंने कहा भी कि लगातार गायत्री परिवार इस तरह का सामाजिक कार्य करती रही है और लोगों को प्रोत्साहित करती रही। आइए देखते हैं क्या है और पूरा क्या कहना चाहते हैं। अभी तो आप जान ही रहे हैं कि विगत 28 मार्च से हम लोग का ये सेवा काल चल रहा है और रोजमर्रा के जीवन यापन से जूझ रहे जो अपने भाई समाज के लोग हैं उनके लिए एक सेवा काज के रूप में नर सेवा नारायण सेवा अभियान चलाकर हम लोग विगत दिन चला रहे हैं। भोजन का पैकेट, राशन सामग्री, बच्चों के लिए दूध, पाव रोटी, मास्क और इसी क्रम में आज इस क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 के जितने सफाई कर्मी हैं आज उनको सम्मानित करने की योजना थी
और इस अवसर पर आज हमारे बीच अपने धनबाद के नगर निगम के मेयर साहब आदरणीय चंद्रशेखर अग्रवाल जी, अपने शहर के ही प्रसिद्ध उद्योगपति श्री कमल टंडन जी, संत कुमार जी सब उपस्थित हुए। हम सभी गायत्री परिवार के लोग उनके आभार हैं। और जैसा कि मेयर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि यहाँ की बहनें अगर कुछ करना चाहती हैं कुटीर उद्योग तो वो कर सकती हैं। तो निर्बाध रूप से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, गायत्री परिवार की एक अपनी मान्यताएं हैं, समाज के लिए जितना भी हम कुछ कर सके कर रहे हैं। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, दायरा बहुत विस्तृत है, तो पूरी दुनिया को तो हम संतुष्ट कर नहीं सकते, लेकिन जितनी हमारे संसाधन है, जितना उत्साह है, जितना कार्यकर्ताओं में जोश है, उसके अनुरूप समाज सेवा में हम निरंतर चरेवेति लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। गायत्री परिवार हमेशा से कहती है कि सब मानव जो है एक समान है, लेकिन आज जो उन्होंने लेते समय अपना भावुकता दिखाई कि लोग उनको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में जो उनको तो सम्मान नहीं दे रहे सफाई के? तो अगर ये तो आप सामने ही देख रहे हैं, हम लोग सम्मानित किए तभी तो बुलाए हैं विशेष रूप से। क्या संदेश रहेगा आपका ये? नहीं अभी तो ये घर में पर्सनल लोग ना अपनी पर्सनल मेंटेलिटी के चलते अपने घर के अंदर के काम करवाने लग जाते हैं, इनकी मेंटेलिटी बदलनी होगी। अब इतने अंदर तक तो हम लोग नहीं जाके देख सकते कि क्या करवा रहा क्या नहीं करवा रहा। लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी कि ये अपने हमें इतने भर के लिए गली के लिए, अब उनको अपने अंदर के ही काम करवाना ये अच्छी बात नहीं है। ये लोगों को खुद ही समझना चाहिए, उनकी नैतिकता करनी चाहिए कि ये लोग इस काम के लिए हैं। मेयर साहब भी इसमें नहीं कुछ कर सकते, हम लोग भी घर के अंदर तक जाके नहीं उनको देख सकते कौन क्या करवा रहा है। तो वही सर, लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। गायत्री परिवार आगे आते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, तोड़ने के लिए बिल्कुल कहना चाहेंगे आप? ये प्रश्न था मेरा, लोगों से क्या निवेदन रहेगा इसके लिए? यही हम लोग का हमेशा शुरू से नारा रहा है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हमारा शुरू से ये नारा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि लोग अपने पर्सनल, एक आदमी पर्सनल ठीक हो जाए तो सारा संसार ठीक हो जाएगा, यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ली थी, पिछले बार भी मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से इन सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 40 दिन का अनवरत इन्होंने भोजन का वितरण किया, कोई भूखा ना रहे इसलिए कार्यक्रम किया था। वो हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं कि आज की परिस्थितियां कितनी बदली हैं। जी स्वागत है आपका। आज की परिस्थितियां और जिस समय से आपने शुरुआत की, कितना परिवर्तन देख रही है? देखिए परिवर्तन तो भैया आपको भी लगता होगा कि कितना परिवर्तन हुआ है, और ऐसे भी हमारे मिशन की जो महिलाएं हैं इतनी चढ़ बढ़ के काम कर रही हैं, जो और भी संस्थाएं और मिशन उत्साहित हो रही है और वो लोग भी आगे आ रहे हैं। और जैसे हमारे गुरु जी का साथ आंदोलन है, मेरा भी एक मन का विचार है कि हम अपनी महिलाओं को इस मिशन में अच्छे उद्योग से जोड़े हैं। जैसे बहुत ऐसा कुटीर उद्योग है और हमारी महिलाएं उत्सुक भी हैं, करना भी चाहती हैं। आज जैसे यहाँ पर आके हमारे मेयर साहब महिलाओं को उत्साहित किए, उनके लिए मैं आभार प्रकट हूँ। और क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं को जो आज भी घर में बैठी हैं इसलिए हमें बाहर नहीं आना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए देखिए हम घर घर जाकर संदेश देते हैं और उन लोगों को इस गुरु जी के साहित्य को देते हैं, पढ़ती हैं वो लोग, और वो लोग भी उत्सुक हुई है, जागरूक हुई है, और वो लोग भी बोलते हैं दीदी हम लोग को इस ग्रुप में जोड़िए, हम लोग भी आगे आना चाहते हैं। पहले की अपेक्षा भी है, अभी तो हमारी महिलाएं बहुत आगे आई हैं और खास करके इस मिशन में। तो देखिए आज इतने कार्य हो रहे हैं बनाने का, अमृतासन का, पूरी सब्जी वगैरह वगैरह मेनू चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये महिलाओं और हमारे कार्यकर्ता भाइयों लोग हैं जो आज तक हमें कोई कारीगर और मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ा। अपना नाम ममता सिंह हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ममता सिंह थी जो बता रही थी कि किस प्रकार से महिलाओं में भी जागरूकता आई है और जगह जगह जाकर किस प्रकार से ये लोगों को समझा रही हैं कि वो भी बाहर आए और इस समय सभी का सहयोग करें। मनीष कुमार झा, ब्यूरो रिपोर्ट, धन्यवाद आपका।